हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का इस वीडियो में मैं आपको स्लो चार्जिंग का यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। जहाँ पे मैं कस्टमर केयर से बात किया हूँ रियलमी का और उन्होंने कुछ स्टेप बताया है, तो वो मतलब सारा स्टेप पूछा कि ये आपके मोबाइल में मतलब ये है कि नहीं या फिर नहीं। मैंने सारा जवाब दिया और क्या चीज़ बातचीत हुआ सारा मैं डिटेल में आपको सुनाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको जो आगे कुछ बताऊंगा। तो मैंने रियलमी सपोर्ट टीम से कॉल पर बात किया और इसका सोल्यूशन जो लेकर आया हूँ। अगर आप इस सारे स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका जो 100% स्लो चार्जिंग जो ठीक कर दिया जाएगा। और रियलमी की तरफ से वेरीफाई स्टेप है, ये बिल्कुल जो है वेरीफाई स्टेप प्रोवाइड किया गया है। और ये रियलमी ही नहीं बल्कि सभी मोबाइल के लिए है, मतलब रियलमी को छोड़कर मतलब सभी मोबाइल के लिए काम करेगा, रियलमी भी काम करेगा और रियलमी के मतलब अलावा जितने भी मोबाइल वो सभी मोबाइल फोन में काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं आगे जो है बात करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है रिकॉर्डिंग को सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे जो है बताता हूँ। अगर आपको रिकॉर्डिंग में अच्छी प्रकार से सुनाई नहीं देता है तो मैं वीडियो के लास्ट में जो है आपको सारा डिटेल में बता दूंगा क्या चीज़ बातचीत हुआ और क्या वो सवाल किए और क्या मैंने जवाब दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो रिकॉर्डिंग को सुना देता हूँ। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू रियलमी सपोर्ट, दिस इज अशरफी, हाउ मे आई हेल्प यू? मैम, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? जी हाँ सर, हिंदी में बात की जाएगी। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अनिल कुमार। थैंक यू नाम बताने के लिए। बताइए अनिल जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? मैम, मेरे पास रियलमी 5 डिवाइस है और उसमें स्लो चार्जिंग मतलब हो रहा है, मतलब चार्ज फास्ट नहीं हो रहा है। पहले फास्ट चार्ज हो रहा था लेकिन अब स्लो चार्ज हो रहा है। अच्छा, रियलमी 5 मोबाइल है और स्लो चार्ज हो रहा है ये? यस मैम, माफी चाहेंगे। आपको जो भी असुविधा हुई है आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अनिल जी, कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन अप टू डेट है आपके मोबाइल में, बता सकते हैं मुझे? यस मैम, 2.63। ठीक है। 0 to 100% चार्ज करने में कितना समय ले रहा है आपका फोन? मैम ये करीब मैम 4 घंटा मैम लग रहा है करीब। मैम पहले जल्दी हो जा रहा था इससे। पहले कितनी देर में चार्ज हो जाता था? मैम पहले करीब 1.5 घंटा में फुल चार्ज हो रहा था। ओके ठीक है सर, जैसा कि आप कह रहे हैं स्लो चार्ज हो रहा है आपके फोन में, इससे रिलेटेड मैं कुछ स्टेप्स जानना चाहूंगी, आप मुझे कन्फर्म करवा दीजिएगा। यस मैम। ठीक है, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जब आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं उस समय आपके मोबाइल में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही है ना, लाइक 45 to 53 डिग्री ज्यादा से ज्यादा हाई है, फिर ज्यादा लो तो नहीं है -3 डिग्री से 0 डिग्री तक का? मैम रूम टेम्परेचर का मैम ये रहता है। ठीक है, और जैसे आप मोबाइल को जब चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने टाइम यूज तो नहीं कर रहे हैं? नो मैम। ओके, बैकग्राउंड एप्लीकेशंस क्लियर करके रखते हैं जो भी आप चार्ज करते हैं? चार्ज करने के टाइम बैकग्राउंड एप्लीकेशंस क्लियर रहता है? मैम बैकग्राउंड एप्लीकेशन सारा बंद रहता है। ठीक है, और आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर वर्जन भी अप टू डेट है राइट? यस मैम। ठीक है, बैंड अप्रूव चार्जर यूज कर रहे हैं ना जो इस मोबाइल के साथ आया है? यस मैम। ठीक है सर, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर चार्जर इश्यूज आ रहे हैं तो आप रियलमी ऑथराइज सर्विस सेंटर चले जाइए। आप कौन से सिटी और स्टेट से बात कर रहे हैं? झारखंड। झारखंड में कौन से शहर से? गढ़वा। झारखंड में इन जगह पे सर्विस सेंटर है, बोकारो, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलमौर, रांची, इनमें से कौन सा आपके पास में है? मैम सारा दूर ही है सर्विस सेंटर। जी सारा दूर, बहुत दूर है, मतलब 40-50 किलोमीटर के दायरे में। अच्छा, जो भी डिटेल्स मैंने बताई सब दूर है आपसे? तो सर यही सर्विस सेंटर अवेलेबल है झारखंड में जो लिस्ट मेरे पास शो हो रहा है? यस मैम। तो नहीं जा पाएंगे आप? नो मैम। सर अगर आप सर्विस सेंटर नहीं जा सकते तो दूसरा ऑप्शन रहता है कॉल मी सर्विस का, अगर आप चाहे तो वो भी अरेंज करवा सकते हैं। आपको कॉल मी सर्विस चाहिए मतलब पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस? अगर आपको मोबाइल में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी अरेंज करवा सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे, सर्विस के बाद वापस किया जाएगा। कितने दिन में वापस आ जाएगा ये तो आपको वही बता पाएंगे, कितना समय लगेगा? लिख कर दीजिए, नहीं चाहिए आपको कॉल मी सर्विस? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपका फीडबैक जरूर मेंशन कर देती हूँ कि आपके मोबाइल में स्लो चार्जेज इश्यूज आ रहे हैं, इन फ्यूचर कोई अपडेट आता है तो नोटिफिकेशन आ जाएंगे। Yes, ma'am. इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए आपको? नो मैम। मैं कर रही हूँ रियलमी में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
तो जैसे कि आपने देखा, मैंने कस्टमर केयर से बात किया और उनसे बोला कि मेरा रियलमी 5 का डिवाइस है और यहाँ पर स्लो चार्जिंग हो रहा है। आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस हो या फिर रियलमी के अलावा अदर कोई भी डिवाइस हो तो ये सभी डिवाइस के लिए है, मतलब रियलमी की तरफ से वेरीफाई स्टेप है। तो वो कुछ स्टेप को मतलब वो सारा डिटेल मतलब पूछे, नेम वगैरह मैंने सारा बताया, कन्फर्म करा दिया। उसके बाद वो पूछे कि जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो चार्ज करते समय अपना मोबाइल को यूज करते हैं या फिर नहीं। तो मैंने बोला कि अपना मोबाइल फ़ोन को यूज नहीं करता हूँ चार्ज करते समय, ये पहला स्टेप था। अगर आप चार्ज करते समय अपना मोबाइल फ़ोन को यूज करते होंगे मोबाइल डेटा ऑन करके, तो यहाँ पे आपका मतलब बैटरी जो है स्लो चार्जिंग होगा, आपका चार्ज फास्ट नहीं होगा, स्लो बिल्कुल स्लो चार्जिंग होता है। तो आपको जो है मोबाइल डेटा ऑफ करके या फिर मोबाइल को चलाना नहीं है। तो मोबाइल डेटा ये जरूरी है, मोबाइल डेटा आप ऑफ करके चार्ज में लगाएंगे तब आपका फास्ट चार्जिंग होगा। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके चार्ज में लगाते हैं तो और ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि जो है सारा सिग्नल जो है टावर जितना भी सिग्नल कनेक्ट होगा वो सारा कट जाएगा और ऑटोमेटिक जो है फास्ट चार्जिंग होगा। तो फ्लाइट मोड में ही डाल के आप चार्ज करेंगे तो और फास्ट चार्ज होगा। और दूसरा वो बोले कि आप जितने भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप जैसे यूज करते हैं उसे रिसेंट से आपको हटा देना। जैसे मैं फ्लिपकार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया, अब इसे बैक कर लिया, जैसे रिसेंट में है तो यहाँ से इसे हटा देना है। ये नहीं कि यहीं पे रखकर और मैं चार्ज करूँगा, तो इसको चार्ज नहीं करना है, इसे यहाँ से हटा देना है। तो ये था दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप ये बोले कि आपको मोबाइल जो है हीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आपका मोबाइल ज़्यादा हॉट या फिर ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा अगर आपका मोबाइल हॉट हो जाता है मोबाइल चलाते चलाते या फिर कैसे भी हॉट हो जाता है और चार्ज में आप लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है स्लो चार्जिंग करेगा। तो ये था तीनों के तीनों स्टेप मैंने आपको बता दिया। और एक और स्टेप है जो लास्ट है कि आपको जो मतलब चार्जर मिला है, जो चार्जर केबल मिला है उसी से आपको चार्ज करना है। तो अगर आप दूसरा चार्जर से यूज करते हैं तो हो सकता है आपका स्लो चार्जिंग सपोर्ट करे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी केबल में ही खराबी आ जाता है, क्योंकि मेरा एक बार ऐसे ही हुआ था। तो जब मेरे पास रियलमी का 2 का मोबाइल फ़ोन था तो वो बहुत मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा था, बहुत 6 to 7 आवर में फुल चार्ज हो रहा था। तो मैंने केबल को चेंज कराया, उसके बाद मेरा फास्ट चार्जिंग होने लगा। तो केबल में ही प्रॉब्लम आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, केबल से चार्ज होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि केबल में खराबी है या फिर कहाँ खराबी है। तो जैसे मैंने केबल को चेंज किया ना तो मेरा फास्ट चार्जिंग जो है जैसे पहले चार्ज हो रहा था उसी प्रकार से मेरा फास्ट चार्जिंग होने लगा। तो ये सारा स्टेप को फॉलो करके आपका मोबाइल जो है इजिली जो है फास्ट चार्जिंग होगा। तो ये सारा का सारा स्टेप जो है बिल्कुल रियलमी की तरफ से वेरीफाई स्टेप है, इसे फॉलो करके मैं भी अपना मोबाइल को ठीक कर लूँगा। और जैसे मैंने उनसे बोला कि अगर आपका मतलब ये सारा स्टेप फॉलो करने के बाद भी आपका अगर मोबाइल जो है स्लो चार्जिंग हो रहा है तो आप जो है डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं रियलमी का सर्विस सेंटर। अगर रियलमी सर्विस सेंटर ज़्यादा दूर है, आपके नज़दीक में नहीं है, तो आप कॉल मी सर्विस भी रेज करवा सकते हैं। कॉल मी सर्विस में ये होता है कि आपका डिवाइस को पिकअप करेगा घर पे, मतलब आएगा पिकअप करने और आपका मोबाइल फ़ोन को ले जाएगा। और ले जाने के बाद मतलब करीब 20 से 30 दिन का टाइम लग जाएगा, ये ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए मैंने बोला कि छोड़ दीजिए मेरे को नहीं करवाना है। तो अगर आप कॉल मी सर्विस रेज करवाएंगे तो आपका फ़ोन जो है घर से ले जाएगा, उसके बाद जो है और नोएडा में ले जाएगा, नोएडा से आपका फ़ोन को रिपेयर करके उसके बाद फिर से वापस घर पर आपका भेज देगा। तो इस प्रकार से कॉल मी सर्विस होता है। तो अगर आप कॉल मी सर्विस करवाना चाहते हैं, अगर आपके नज़दीक में आसपास में कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है तो आप कॉल मी सर्विस रेज करवा सकते हैं। तो कॉल मी सर्विस रेज किस प्रकार से करवाना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। अगर मोबाइल फोन में कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे चार्जिंग को छोड़कर मतलब चार्जिंग के अलावा कोई भी और प्रॉब्लम आता है तो कॉल मी सर्विस आप रेज करवा सकते हैं और आपका मतलब पिकअप करके ले जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसे जाकर देख लीजिए अगर आपको कॉल मी सर्विस रेज करवाना है। तो ये सारा डिटेल में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।